आज इंद्र आदि, कुबेर आदि समस्त देवता धरती लोक पर है महाराज। अर्धतम वस्त्राः न कमंडलो गति भोजः, कमंडल में खाने तक भी कुछ पदार्थ नहीं है, कमंडल तो खाली है। कुबेर जी के पास कमंडल तो है पर खाने के लिए पदार्थ नहीं है। इससे यह सिद्ध हो गया कि जब तक आदमी सत्कर्म नहीं करता, माता पिता दादा दादी का धन भी पोते को पचता नहीं है। कई दादा दादी कई माता पिता बहुत छोड़ के जाते बच्चे के लिए, बच्चा कुछ नहीं कमाए बैठ के खाए पूरा पड़ जाएगा, पर नहीं बैठ के खा सकता, गलत काम करेगा, उल्टे पुल्टे काम करेगा और धन कम पड़ जाएगा। माता पिता की इतनी भारी संपत्ति बच्चे के हाथों से समाप्त हो जाती है आधी उम्र में, और आधी उम्र रोता फिरता है पैसे के लिए। घर तक बिक जाते हैं, खेती कुआ सब बिक जाता है। इसीलिए देवताओं की कमाई नहीं थी भाई साहब, ये कथा सुनो आप। देवताओं को माता पिता से कमाया हुआ धन हिस्से में प्राप्त हुआ। देवताओं ने ज्यादा धन के कारण शरीर में आलस्य को धारण कर लिया और दूसरों के अधीन हो गए। तुम खिलाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो सोते रहेंगे। जो आदमी दूसरों के अधीन होकर रहता है वो कभी आगे बढ़ता अस्वस्थ हो जाता है, बीमार हो जाता है। देवता बीमार हो गए, धन समाप्त हो गया, कुबेर का खजाना छिन गया। किसने छीन लिया? पुरुषार्थ कर्मणो विधाम। हाँ, प्रहलाद जी के पोते ने, भक्त प्रहलाद के पोते ने छीन लिया सब। कैसे छीन लिया? क्योंकि नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दर्शन दिया तब वचन दे दिया था तुम्हारे पुण्य प्रताप से अब राक्षस कुल में कोई भी राक्षस 3 पीढ़ी तक पैदा नहीं होगा। भक्त प्रहलाद की भक्ति के कारण राक्षस कुल का भी कुल बदल गया। हिरण्यकश्यप राक्षस का बेटा है प्रहलाद, बाप का उद्धार करवाया और आगे की 3 पीढ़ियों को देवता बना दिया उसने। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव रोज कहते हैं कि एक बालक जरूर भगत बनना चाहिए, चाहे सब डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बन जाएं।